दोस्तों नमस्कार, शिक्षा समाचार एमपी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें और नया स्कोर कार्ड कैसा हो सकता है 2024-25 के लिए, जो अनुबंधित अतिथि शिक्षक के लिए स्कोर कार्ड जारी किया जा सकता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए। तो देखिए, तीन डॉट पे मैंने यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जो स्कोर कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने स्क्रीन में तीन होम के बाद में लिखा हुआ आ गया है माय स्कोर कार्ड। जैसे ही आप माय स्कोर कार्ड पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड स्कोर कार्ड भी लिखा आ गया है। इस डाउनलोड स्कोर कार्ड पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में आपके सामने एक स्कोर कार्ड जारी हुआ है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये जारी किया गया है। ये पुराना स्कोर कार्ड 23-24 का V2 के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपके सामने है। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं बारकोड सहित, यहाँ पर पूरी डिटेल्स होती है। हमने गोपनीयता के हिसाब से ये डिटेल्स यहाँ पर हटा दी है। अब देखिए, जैसे कि कोई भी विद्यार्थी है जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहता, सबसे पहले उसे एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो रजिस्टर्ड कराना होता है और निकट के संकुल में जाके वेरीफाई कराना होता है। तो वैसे ही ये सभी मार्कशीट हमारी 10th, 12th, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे बीएड, डीएड, ये सब यहाँ पे हमने लगाई हुई है। और वेरीफाई होने के बाद में हमारे मार्क्स वगैरह सब मिलाने के बाद में आ जाता है और आपके सामने स्कोर कार्ड के रूप में एक पैनल जनरेट हो जाता है और क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल जो रजिस्टर्ड है वो सब आवेदक की यहाँ पे दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर अपने आप जो अतिथि शिक्षक पोर्टल है वो पैनल तैयार करके यहाँ पे दे देता है। जैसे SS1 कॉमर्स की बात करता हूँ, जो आप ऊपर सब्जेक्ट भरेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पैनल आ जाएगा। PGT बेसिक क्वालिफिकेशन होगी, हिंदी SS1 में हिंदी है तो PG इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होगी पोस्ट ग्रेजुएट। अब जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट वाणिज्य है तो वाणिज्य, हिंदी है तो हिंदी आ जाएगा। इसी प्रकार ग्रेजुएशन में कॉमर्स वाले होने के कारण यहाँ पर सोशल साइंस में ले लिया, कोई साइंस वाला रहेगा तो साइंस मैथ्स वाले रहेंगे तो मैथ्स का यहाँ पैनल आ जाएगा। और 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल पास है तो SS3 के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, वाणिज्य सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब जो भी आपने अंक लिए हैं उन अंकों को परसेंटेज के रूप में यहाँ पर दिखाया जाएगा, बेसिक क्वालिफिकेशन के स्कोर कहलाएंगे इसको। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के स्कोर जो है BEd या DEd के यहाँ पे स्कोर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ BEd है इसलिए हमारे ये देखिए तीन यहाँ पे स्कोर में जुड़ चुके हैं 100 मार्क्स। ये पहले की प्रक्रिया थी। रिटायर्ड टीचर हैं जो उनको यहाँ पर 100 अंक दिए जाते हैं 100 मार्क्स। इसी प्रकार 18-19 में एक्सपीरियंस का स्कोर कार्ड यहाँ पे जुड़ा था, 25 मार्क्स जुड़े हुए थे तो हम सभी में 25 नंबर यहाँ पे जोड़ दिए गए थे। और इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल स्कोर यहाँ पर बनकर आ गया है। लेकिन अब वर्तमान समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, संभवतः ये स्कोर में कुछ तो चेंजेस आएगा और वो क्या चेंजेस आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्या चेंजेस हो सकता है, क्योंकि अनुभव के यहाँ पे अंक जोड़े जाएंगे और अनुभव में भी आपने देखा है कि अलग अलग अभ्यर्थियों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर अध्यापन कार्य किया है। किसी ने, आपने देखा कि डिग्री तो है लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसा अध्यापन कार्य किया है कि जैसे मैं यहीं पे बताता हूँ कि कॉमर्स की डिग्री है और हिंदी की 2 डिग्री है। तो कुछ अतिथि शिक्षक आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर देखेंगे आपकी वाणिज्य में जो पढ़ाया है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस में 5 साल पढ़ाया समझ लीजिए, और हिंदी में किसी ने पढ़ाया है 3 साल पढ़ाया, ऐसा टोटल उसके 8 साल तो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ स्कोर कार्ड जब बनेगा आपका तो ये 5 साल के यहाँ पर
अंक जोड़े जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट देगी या तो 10 के हिसाब से दे या फिर 2 के दे, 5 5 अंक प्रतिवर्ष दे, 10 अंक प्रतिवर्ष दे, अधिकतम 10 वर्षों के अंक यहाँ जोड़ने की संभावना है। तो यदि 10 में से 10 जोड़ेगी तो 100 अंक यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर 325 जो लिखा आउट ऑफ ये टोटल आउट ऑफ 400 हो जाएगा। तो ये 100 अंक और किसी ने 5 है तो यहाँ पर ये अंक कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और हिंदी साहित्य में 3 साल है तो ये अंक कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल जोड़ के वो अंक इन सभी को जोड़ेंगे, फिर ये पूरे अंक को जोड़ के और आपके लास्ट में यहाँ पर अंक दिखाई दे देंगे कि टोटल स्कोर कितना हुआ और पीजीटी साहित्य में हिंदी साहित्य में कितना हुआ। यदि किसी ने हो सकता है SS3 में पढ़ाया है, 3 साल पढ़ाया है और SS1 कॉमर्स में पढ़ाया 5 साल, तो 5 साल के अंक यहाँ पर जुड़ जाएंगे और ये 3 साल के अंक है, 3 साल पढ़ाया है तो अनुभव के अंक उसके जुड़ के और यहाँ पर जुड़ने के बाद टोटल पैनल आपका दिखाई देगा और इसके आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जो मेरिट तैयार की जाएगी वह ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के आधार पर की जाएगी और ऑनलाइन ही आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। जब ऑनलाइन अलॉट किए जाएंगे तो आपको भी पता नहीं होगा कि आपको कौन सा स्कूल मिल रहा है और जो स्कूल मिलेगा वहां पर आपको जाना होगा, क्योंकि एक सीट पर एक ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा और इसी जहां से आपने स्कोर कार्ड निकाला इस स्कोर कार्ड में ही आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा, उस ज्वाइनिंग लेटर के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी थी, संभवतः यह प्रक्रिया ही सरकार द्वारा अपनाई जाएगी क्योंकि इससे भाई भतीजावाद होने की संभावना नहीं रहेगी, ऐसा मानना है लोगों का, इसलिए ये सब प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और टेट क्वालिफिकेशन भी रखा गया है, अतिथि शिक्षकों से मांगा जा रहा है, पात्रता परीक्षा की जानकारी जा रही है। इसमें भी दो टाइप से, एक शॉर्ट टर्म वैकेंसी होगी और एक लॉन्ग टर्म वैकेंसी होगी। लॉन्ग टर्म वैकेंसी वो होगी जो रिक्त पद है उनके लिए लॉन्ग टर्म वैकेंसी होगी और शॉर्ट टर्म वैकेंसी उनके लिए होगी जो कुछ दिनों के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म होगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अनुबंधित किसे किया जाएगा, तो लॉन्ग टर्म वैकेंसी जो रहेगी ऐसे अतिथि शिक्षकों को अनुबंधित किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है। शॉर्ट टर्म के अतिथि शिक्षकों को अनुबंधित नहीं किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। अब जो भी आदेश आएगा वह सर्वोपरि होगा और उसी आधार पर सभी को सत्र 2024 और 25 में नियुक्ति मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।